आप सबका यहाँ स्वागत जैसे जयराम रमेश जी ने कहा चार घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनैनिमसली लिया है मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया तो काफ़ी खुशी की बात है आ, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं आ, हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में कर्नाटक में छत्तीसगढ़ में आ, हिमाचल में का सेंसस को आगे बढ़ाएंगे आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी का सेंसस को सपोर्ट करेगी तो मैंने कहा कि देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे सिर्फ ये नहीं मगर ये भी डिसीजन दिया है कि हम बीजेपी को बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी हाँ जी मैडम राहुल जी राहुल जी मैं पूनम एक मिनट मैडम मैं बोलिए अच्छा अगर आपका सवाल सुनिए सुनिए अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज राहुल जी मैं पूनम हूँ अमर उजाला से इधर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है आज से पांच राज्यों का चुनावी बिगुल बच गया है तो क्या ये माना जाए कि ये पांच राज्य जो हैं वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएं देखिए ये ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट ये केमिस्ट्री में चलते हैं ये राजनीति में नहीं चलते हैं हमारी सिंपल सी बात है हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और याद रखिए जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं यह कास्ट और धर्म की बात नहीं है यह गरीबी की बात है हिंदुस्तान के ओबीसी हिंदुस्तान के दलित हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग इनके लिए यह काम किया जा रहा है आज क्या हो रहा है दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं कौन है और हम वहां नहीं रुकेंगे उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं धन किसके हाथ में है धन कहां है एसेट्स किसके हाथ में है और फिर जैसे मैंने कहा जो एक्सरे हमें और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है अगर हम नया पैराडाइम नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग अनकनेक्टेड स्टेटमेंट्स। व्हाट द कास्ट सेंसस हैज टू डू विद यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज इनकेपेबल

मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से तीन अफसर ओबीसी वर्ग के नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है उन्होंने बोला एक शब्द नहीं बोला मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद पचास परसेंट आबादी है अप्रोक्सीमेटली उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो तो ये तो सच्चाई है रियलिटी है प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा वो कह ही नहीं सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग दलित वर्ग आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है मतलब सेंट्रल औजार हैं उनका यही काम है भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो ध्यान इधर उधर जाता जाए हा संजय राहुल कांग्रेस कास्ट सेंसेस को इसलिए ला रही है लाके वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है और आ, ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि कास्ट सेंसेस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है हमारा, हमारा लक्ष्य जैसे मैंने कहा हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए किसी को चोट लगती है अस्पताल में पहला काम होता है भैया देखिए एक्सरे कराते हैं पता लगाते हैं क्या है सच्चाई क्या है हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए दलितों को होनी चाहिए आदिवासियों की होनी चाहिए हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है सस्पेशन है अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं देखना चाह रहे हैं कि क्या यह सच्चाई है इसमें या नहीं नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है इसमें जो हक लोगों का है उनको देने का है देने की बात है अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं कभी डिलिमिटेशन दि, दिले, दिले, की बात कर रहे हैं कभी कुछ और बात कर रहे हैं कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है नब्बे अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से तीन लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं यह सच्चाई है यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है और उनको सिर्फ पांच परसेंट बजट पर कंट्रोल है यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं क्यों क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है और आप देखना डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में एक के बाद एक एक के के बाद बाद एक एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको राहुल जी एक दो सवाल और ले सकते हाँ हाँ, मौसमी राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि जो बची कुछी अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी तो पोलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सो ये है? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है ये न्याय का डिसीजन है ये हिस्सेदारी का डिसीजन है इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है हम हिंदुस्तान का जो मैस है जो 50, 60, 70, 80 परसेंट हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे ये हमने निर्णय ले लिया है आप देख लेना जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था चाइना के बारे में बोला था मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी जी राहुल जी आपने कास्ट सेंसस के बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात कही है वो क्या इकोनॉमिक सर्वे स्टेट में भी होगा क्या कांग्रेस रूल स्टेट में एक चीज और दूसरा आपने पार्लियामेंट में कहा था कि आपके पास जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो आप अनाउंस करेंगे अगर सरकार नहीं करती है तो नहीं नहीं करें देखिए हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा नहीं है क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है तो ये ये मैंने कभी नहीं बोला है मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान की सरकार के पास कास्ट सेंसस का डेटा है हिंदुस्तान की सरकार को उस डेटा को रिलीज कर देना चाहिए और अगर हिंदुस्तान की सरकार उस डेटा को नहीं रिलीज करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी पहले दिन हम उस डेटा को रिलीज कर देंगे हाँ रवि सवाल आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की देखिए सवाल क्या है सवाल यह है पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा इस देश में कितनी आबादी किसकी है ओबीसी की कितनी है दलितों की कितनी है आदिवासियों की कितनी है बाकी लोगों की कितनी है पहला सवाल दूसरा सवाल देश का जो धन है देश के जो एसेट्स हैं क्या वो इन लोगों के हाथ में भी है या नहीं देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है दलितों की कितने हिस्सेदारी है आदिवासियों की कितने हिस्सेदारी है देश के इंस्टीट्यूशन में आदिवासी कितने ओबीसी कितने दलित कितने मैं आपसे पूछ लेता हूं इस कमरे में इस कमरे में दलित कितने हैं देखिए ये मजा देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं हाथ उठा तो के दिखा दीजिए देखिए मजा नहीं वो आप कैमरा मैन है भैया आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये सवाल है हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी कितने दलित कितने आदिवासी कितने ये सवाल हम पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं धन के बारे में पूछ रहे हैं एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं राहुल जी राहुल जी राहुल जी रवि राहुल जी इधर राहुल जी इधर राहुल जी राहुल जी इधर इधर राहुल जी राहुल जी मेरा सवाल आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे उसी से जुड़ा सवाल है क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं देश को तोड़ना चाहते हैं ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप मतलब इसका क्या कनेक्शन है हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है वो हैं कितने हम ये सवाल पूछ रहे हैं कनेक्शन क्या है ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का कि भैया उधर देखो इधर देखो उधर देखो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं सब लोग इधर उधर देख रहे थे एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे एक है हाँ भैया मेन ये है ये मेन है यहां पे, यहां पे ना एक आदिवासी है ना एक दलित है ना एक ओबीसी है तो सवाल उठता है अब मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं सवाल पूछना जरूरी है मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है दलित वर्ग को कितना मिल रहा है आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है बाकी लोगों को कितना मिल रहा है यह हिस्टोरिकल सवाल है और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा पॉलिटिकल मॉडल होगा इसी बेसिस पे बनेगा धन्यवाद